in the name of allah my dear students the topic for today's video is conservation of forests and wildlife in this video we will discuss why do we need this conservation and what are the various steps taken by the government to conserve this important resource precious resource that is forest and wildlife okay

These are the three basic एंड कैटराइजिंग पॉइंट्स हाउ डू वी कन्ज़र्व द फॉरेस्ट हम अपने फॉरेस्टस को कैसे बचाते हैं कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कैसे कन्जर्व कर सकते हैं ये जान के कि ये फॉरेस्टस और वाइल्ड लाइफ जो हमारे पास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फॉरेस्टस के कितने सारे यूज है कि कैसे इंसान डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूरा डिपेंड है ऑन फॉरेस्टस एंड द वाइल्ड लाइफ तो हमने कुछ बायोसफिया रिज़र्वस बनाए हैं जहाँ पे हम जो हमारे वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट्स है या एनिमल्स है उनको हम कंजर्व करते हैं प्रिजर्व करते हैं इन ए रिजर्व इन द नेशनल पार्क्स एंड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हेयर वी विल डिस्कस वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हम उसी चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं हम उसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं जो जिस जो जितनी वैल्यूएबल होती है फॉर एक्ज़ाम्पल मेरे बच्चों हम देखते हैं हमारे घर में कोई चीज़ बहुत ही इम्पॉटेंट है ठीक है इम्पॉटेंट है लेकिन इस इम्पॉटेंस के साथ साथ, साथ साथ हम इसका वैल्यू अच्छी तरह से जानते हैं इसके साथ साथ हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि एक तो हम इसको आज इस्तेमाल करेंगे और इसको कल के लिए भी इस्तेमाल कल के लिए भी बचा के रखेंगे ताकि हम इसको कल कल भी हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं लाइक like, आप देख सकते हैं आपके घरों में कि जो हमारा एल पी जी गैस है हम जानते हैं ये बहुत ही प्रेशियस है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हम किसी भी वक्त इस पर कुकिंग कर सकते हैं लेकिन हम इसको ऐसे फिर यूज़ करते हैं कि हम आज यूज़ करेंगे और इसको ज़्यादा टाइम निकलना चाहिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए फ़ायदा मंद बना सकें और इसको प्रिजर्व भी करते हैं वैसे ही स्टेप्स उठा के यहाँ पे जैसे कि हम इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे देयर आर टू थिंग्स कि मेनली टू थिंग्स है कि हम इसको क्यों कंजर्व कर सकते हैं व्हाई वी आर प्रिजर्विंग दिस व्हाई वी आर कंजर्विंग दि वाई वी आर टेकिंग ए मोस्ट अटमोस्ट केयर ऑफ दिस रिसोर्स लाइक फर्स्ट थिंग कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ आवर लाइफ सिस्टम सपोर्ट ठीक है लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर सॉइल तो जो इको जब हम देखते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस जैस जैसे हम पढ़ते हैं इसमें आप देखते हैं डिफरेंट वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है तो इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व करते हैं ताकि इससे हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो पानी है इसके बगैर हमारी लाइफ इम्पोट इम्पॉसिबल है एयर है सॉइल है तो ये जो हमारी वाइल्ड लाइफ है फॉरेस्ट है ये हमारे वाटर को ये पल्यूशन से बता बचाता है या हमारे अंडरग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करता है पॉपुलेशन से या हमारे एयर को ये पोल्यूशन से बचाता है हमारे एयर को ये रिफ़्रेश करता है ठीक है इसी तरह सोइल को भी ये सपोर्ट करता है सॉइल को भी ये बचाते हैं फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम द इरोजन एट्सट्रा तो इसलिए हम कंजर्वेशन करते हैं क्योंकि इस कंजर्वेशन से जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वाटर एयर एंड सॉइल इसको ये हमारे हमारा जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ये इसके लिए सपोर्टिव होता है इसकी इसके लिए बे, बेस होती है इसकी इसकी हिफाजत के लिए इसके इसको तहफुज के लिए ठीक है तो सेकेंड थिंग इज इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेशीज एंड ब्रीडिंग हम कंजर्वेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है जैसे कि हम देखते हैं प्लांट स्पेशीज बहुत सारी वेराइटी है और वैराइटी एंड नंबर ऑफ प्लांट स्पेशीज जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं जो हम हमारे फॉरेस्ट्स में देखते हैं या दियर और एन नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो हमने डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हम देखते हैं तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसकी बेटर ग्रोथ के लिए इसके स्पेशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए हमें इसकी कंजर्वेशन ज़रूरी है इफ़ वी आर नॉट कंज़र्विंग हम सपोज़ ये देख देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी को इसका ख्याल रखने के लिए हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं अगर हम ये कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम देखते हैं कि कैसे हमारे स्पेशीज़ रेयर स्पेशीज़ बन जाते हैं वल्नरेबल स्पेशीज़ बन सकते हैं या एक्सटिंक्ट एनिमल्स या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं जैसे कि वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ डायनासोर डायनासोर जो था वंस अपॉन इट टाइम दैट वॉज आर रिसोर्स दैट वॉज आर प्रेशियस रिसोर्स दैट वॉज इन आवर वाइल्ड लाइफ बट नाउ दैट इज एक्सटिंक दैट इज गॉन गॉन अवे केस तो हम इस वक्त and wildlife because that is a that is an important resource that is our ecological uh, wealth that is a, that is that is a genetic wealth that is the genetic wealth for us so we need to conserve this second thing is what are the various steps taken by the government to conserve the forest firstly we will see key conservation of forest how do we conserve the forest we are making the biosphere reserves we are making the national parks we are <laughs> ठीक है वी आर मेकिंग द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हेर फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व बाई एफॉरेस्ट्रेशन फॉरेस्ट हम कैसे कंजर्व uh, करते हैं ज़्यादा ज़्यादा प्लांटेशन करने से प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज या प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग डिफॉरेस्ट्रेशन डिफ़ारेस्ट्रेशन पे कंट्रोल करके इसको रिड्यूस करके इसको प्रिवेंट करके हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं बाय सेटिंग अप जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम सेटअप करते हैं नेशनल पार्क सेटअप करते हैं बायोसफेर रिजर्व सेटअप करते हैं ये कुछ स्टेप्स है जिसे हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं या अंडरटेकिंग सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोग्राम जैसे कि इन मैप प्रोग्राम्स हैं वन महोत्सव है चिपको मोमेंट है जिसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे अभी फॉर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज ऑन ए लार्ड्स के लिए कुछ स्टेप्स है जैसे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि वट इज़ गवर्नमेंट डूइंग टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं और इन पे स्ट्रिक्टली काम होता है लाइक वी हैव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972 में बनाया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके इनकी स्पेशीज को इनके नंबर को ख्याल रखने के लिए कि हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी है 1972 में सेवेंटी एक में एक एक्ट बनाया गया है दैट्स कॉल्ड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसके बाद जैसे कि हमारे प्र... टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई इसको भी इन डिटेल हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारा नाइनटीन सेवेंटी टू नाइनटीन सेवेंटी टू एंड सेवेंटी थ्री में हमने प्रोजेक्ट टाइगर बनाया है कि इस टाइगर को मेनली पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली हम अपने टाइगर को कैसे कंजर्व करेंगे कैसे प्रिजर्व करेंगे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है इसी तरह फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 एंड 88 ठीक है इसी तरह कुछ एजेंसीज़ एंटी पोचिंग एजेंसीज डिफरेंट एजेंसीज़ बनाई गई है जो इसकी जो इलीगल पोचिंग होती थी इन एनिमल्स की उसको बचाने के लिए जैसे कि वी हैव स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो एक एजेंसी है इस आ, इन, इन हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके जो इलीगल पोचिंग इनकी होती है हंटिंग होती है इसको रुकाने के लिए रोकने के लिए इसी तरह स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है और इसकी आर्मी जो हमारी आर्मी होती है वो अगर हमें किसी जगह ज़रूरत होगी तो पुलिस भी इसमें काम करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी इसमें काम करता है और कोस्ट गार्ड्स ये भी इसमें काम करते हैं ये भी अपना रोल प्ले करते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इसी तरह वी हैव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेश सोसाइटी सोसाइटीज बनाई गई है जो इस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं अब हम देखेंगे जो हमारा 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है उसका एम क्या है द एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज टू प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टन एंड जैसे सर्टन एंडेंजर्स जैसे कि हमने अभी टाइगर की बात की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है जिसमें पूरी हंटिंग को बेन किया गया है और इसको लीगल प्रोटेक्शन दी गई है इसके हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दी गई है और इसकी ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया गया है इसी तरह हमारे पास है सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैबलिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंसड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच विच व ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग द टाइगर तो ये नेशनल पार्क्स है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि हमारा यहाँ कश्मीर में दाछी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे हमारा जो थ्रैटनड एनिमल था वल्नरेबल एनिमल था हांगुल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और डिफरेंट स्पेशीज़ है हमारा वहाँ पे ब्लैक बेयर uh, है ब्राउन बेयर है ठीक है तो उनको लेपर्ड है हमारा वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है नाउ व्हाट इज़ चिपको मोमेंट चिपको मोमेंट जो है ये एक ऐसी मोमेंट जो हमारा उत्तराखंड में नाइनटीन में बनाई गई जब वो लोकल लोग जो है उनका कॉन् कॉन्सेंस इतना डेवलप था इतना ये उनको टेंशन हो गई जब वहाँ पे मास डिफॉरेस्टेशन हो रही थी तो लोग घरों से निकले और उन्होंने आपने जब भी कोई हंटर आता था या जब भी कोई वुड कटर आता था जब वो प्लांट्स को काटने की कोशिश कर रहे थे तो लोग बोलते थे हमें काटो लेकिन इन प्लांट्स को मत काटो इन ट्रीज़ को मत काटो बिकॉज दिस इज़ आर एसड ठीक है उसी उन्होंने गले लगाया उन प्लांट्स को इसी वजह से इसका नाम भी चिपकोमो चिप पक गए उन प्लांट्स के साथ उन ट्रीज़ के साथ तो उत्तराखंड में फिर वो उत्तर प्रदेश में भी ये मोमेंट uh, ये सेपरेट uh, हो गई फिर ऑल ओवर द इंडिया इस चिपको मोमेंट को अपनाया गया द फेमस चिपको मोमेंट इन द हिमालयस हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुली रिस्ट्रिक्टेड डिफॉर इससे डिफॉरेस्ट्रेशन रुक गई बहुत सारे एरियाज में बट हैज़ ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफॉरेस्ट्रेशन विद इंडीजियस स्पीशीज लेकिन फिर कम्युनिटी ने भी एफॉरेस्ट्रेशन की अपने लोकल प्लांट्स uh, की लोकल ट्रीज़ की लोकल एनिमल्स को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया एंड नॉर्मसली इट वॉज सक्सेसफुल ये जो मोमेंट थी दिस वॉज वेरी सक्सेसफुल मोमेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क थैंक यू थैंक यू वेरी मच